करनाल के लघु सचिवालय के सामने 10 दिनों से धरने पर बैठे कर्मचारियों मजदूरों ने सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ और सर्व कर्मचारी संघ अपनी मांगों को कई बार सरकार के सामने रख चुका है, परंतु सरकार ने मांगे नहीं मानी, आज तक उन्हें लागू भी नहीं किया। उनके मांग पत्र में 51 मांगे हैं जिन पर सरकार ने लागू करने की बात की थी। सरकार की वायदा खिलाफी के बाद कर्मचारी सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। इसी कड़ी में आज प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों को धरने पर बैठे एक सप्ताह से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन उनकी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। उनकी मांगों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। 1 अगस्त 2019 से लगातार आज 10वां दिन है और हम जिला वाइज हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ संयुक्त रूप से इसी कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री कैंप चौक पर हमारा 10 दिन से लगातार धरना चल रहा है। विभिन्न सभी कर्मचारियों की हमारी डिमांडें हैं, हमने मांग पत्र दिया है 51 सूत्री मांग पत्र, लेकिन आज 10वां दिन हो चुका है, सरकार के कान में अभी जू नहीं रेंगी है। हम सरकार को बताने के लिए आए हैं, आज हमारा एक जिले का हिसार जिले का नंबर था, इसलिए हमने ये चाहा कि सरकार की तरफ ये जो गूंगी बैरी सरकार हो चुकी है और इन्होंने साहब के वादे पूरे करने की बात करी थी, 4/1/2019 को भी हमारे साथ बातचीत हुई थी भारतीय मजदूर संघ और राज्य कर्मचारी संघ के साथ, वही डिमांडे उन्होंने 20 तारीख को भी लागू करने की बात करी, लेकिन कुछ पत्रक जारी कर दिए हैं, कुछ पत्रक आज भी पाइपलाइन में पड़े हुए हैं। सरकार को ये बताने के लिए हमने किया कि हम 10 दिन से यहाँ रो रहे हैं, लेकिन सरकार देख भी नहीं रही। आपका प्रशासन, आपका ये शासन एकदम अपंग हो चुका है, इसलिए हम बताने के लिए आए थे कि हमारी सरकार अगर समय रहते इन मजदूर कर्मचारियों की इस बातचीत कर ले, वरना हम अगला जो आंदोलन 15 तारीख को भारतीय मजदूर संघ और हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ इसी याडीसी कैंप कार्यालय पर हम अपना झंडा फहरा करके स्वतंत्रता दिवस काला दिवस मनाने की कोशिश करेंगे। बताने के लिए आए थे आज कि अगर 15 तारीख को ये भारतीय मजदूर संघ राज्य कर्मचारी संघ एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बनाएगा। आज न्यूज के लिए करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।